हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग गेम की ज्योति तो मैं हूँ ज्योति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक नेकलाइन की डिजाइन तो अभी मैंने जो ये कुर्ती पहन रखी है इस इसमें मैंने जो ये नेक बनाया हुआ है इसके डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप इसे बनाना चाहते हो आप इसे कैसे बना सकते हो तो इस नेक को ना आप टॉप के साथ में कुर्ती अनारकली जिसके साथ में बनाना चाहे बना सकते हैं बहुत ही प्रटी लगता है तो अगर वीडियो पसंद आती है आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए फ्यूजिंग पेपर तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड कर दिया है उसके बाद सेवन इंच का जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और तीन इंच का जो है शोल्डर हम निकाल के तीन इंच पे मार्किंग कर लेंगे उसके बाद में नेक की जो गहराई रखनी है वो हमें रखनी है छः इंच तो छः इंच पे हम सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे और इसे एक बॉक्स के जैसा बना देंगे तो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बना दिया है उसके बाद हम एक लाइन और खींच देंगे उसके ठीक नीचे ही थोड़ी सी स्पेस देके लगभग एक इंच की आप स्पेस दे सकते हो या फिर हाफ इंच की आप जितना भी करना चाहें तो यहाँ पर मैंने एक इंच की स्पेस दे दी है उसके बाद हम इस तरीके के, के डिज़ाइन बना देंगे उसमें थोड़ा राउंड राउंड करके ये डिज़ाइन हमें पूरे में बना देनी है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो उसके बाद हम इसको कट करके इतना पार्ट जो है वो हम निकाल लेंगे जिससे हमें कट करने में आसानी हो जाए तो हमें जितना हमने निशान लगाया हुआ है उतना पार्ट हम कट करके अलग कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है जो यहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है उसको हम कुछ इस तरीके से कट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बचा बचा के थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के आपको इसी शेप में इसको अच्छे से कट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको कट करके निकाल दिया है अब हम इसको एक कपड़े पे पेस्ट करेंगे जिस कपड़े पे हमें इसको नेक को बनाना है तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ ये ग्रे कलर का कपड़ा क्योंकि मुझे जो कुर्ती के लिए नेक बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले इस फ्यूजिंग पेपर में एक साइड होता है जिसमें थोड़ा शाइन होता है वो जो शाइन होता है उसको हमें उल्टे साइड में इस तरीके से रख देंगे जो शाइन वाला पार्ट होगा और इसको हम प्रेस की हेल्प से इस पर चिपका देंगे तो मैं इसे चिपका के आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे चिपकाना है तो आपको इसको अच्छे से प्रेस की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने पेस्ट कर दिया है अब मैं इसको थोड़ा सा जगह छोड़ के लगभग हाफ इंच या उससे भी कम आप जगह छोड़ के इसको कट कर लें जिससे कि इसको फोल्ड करने के लिए फैब्रिक मिल जाए तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है आप देख सकते हो तो इसको हमें कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलना है यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ़ फ़ोल्ड करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी सिलाई लगा ली है अब हमें क्या करना है अब हम इसकी इसको कुर्ती पे पेस्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका जो बीच का पार्ट होगा उस पर हम एक कट लगा लेंगे जिससे हमें सिलने में ये कपड़ा जो है वो इधर उधर ना हो तो यहाँ पर मैं एक कट लगा लूँगी उसके बाद सेम कट हमें इसके बॉडीज़ पे लगाना है जैसे कि ये आप देख सकते हो हमने बॉडीज़ जो तैयार की थी सेम कट हमें इसके बॉडीज़ पे भी लगाना है यहाँ पर जिससे कि इन दोनों का कट जो है वो आपस में मिलके अच्छे से पेस्ट हो जाए और हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाए तो यहाँ पर मैं इसका कट लगा ले रही हूँ तो हमें इसके उल्टे साइड में इसको रखना है और इसके कट को बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है तो ये सिलाई हमको इसकी जो ये हमने शेप बनाया है इसी शेप के अकॉर्डिंग ही लगानी है तो ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगानी है आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है अब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए आप इसको दो तरीके से कट कर सकते हैं तो जैसे कि पहले एक आप इसके शेप के अकॉर्डिंग कट कर लें अगर आपको इसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं आप इसे नहीं कट कर पाते हैं तो आप इसे इस तरीके से सीधा सीधा भी कट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको सीधा सीधा कट कर लेंगे उसके बाद हम इसके इसको शेप में देने के लिए हमें क्या करना है इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि जहाँ जहाँ पे हमें कोना दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे जिससे हमें इसे पलटने में आसानी हो जाए और नेक का हमने जो शेप दिया है नेक उसी शेप में आ जाए तो भी आप देख सकते हो आपको छोटे छोटे कट लगाने बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं सिलाई को आपको बचा के ही कट लगाने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमें कुछ इस तरीके से पलट देना है पलटने के बाद अगर आप इसे सिलाई लगा सकते हैं तो आप लगा लें अगर नहीं लगा सकते तो आप इसको पहले अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर लें जिससे कि आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से पलट के इसको प्रेस से अच्छे से सेट से कर दूंगी तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से प्रेस से सेट से कर दिया है अब हमें क्या करना है हम इसके जिधर पार्ट में हमें इसे मोड़ा था इस पर जो हम पहले सिलाई लगाए हैं इसको हम निकाल देंगे इसको पूरा सिलने के बाद क्योंकि वो सिलाई इतनी अच्छी नहीं होती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गोटा पत्ती की लेस ली हुई है और इसको मैं इसके अंदर से इस तरीके से लगाऊंगी इसे थोड़ी थोड़ी ही दिखेगी जो लेस है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है तो अभी ये मेरा नेक तैयार हो गया है अब आप इसे कुर्ती में सूट में कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो बहुत ही सुंदर नेक है इसको मैंने अपनी एक कुर्ती में बनाया हुआ है जो कि मैंने अपने मेन चैनल पे शेयर की है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय